आप अपने सेल्फ इमेज के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचते हैं आप? क्या आप वाकई चाहते हैं कि आप एक कामयाब लाइफ गुजारें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी इस दुनिया में मौजूदगी से आपकी, आपकी फैमिली और आपके आसपास लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो? क्या आप चाहते हैं कि आप खुशगवार ज़िंदगी गुजारें? आपकी लाइफ में और आपसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ में खुशियों का बायस बने। क्या आप समझते हैं कि आप सेल्फ इस्टीम के उस लेवल पे हैं जहां आप वाकई सोचते हैं कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है इस दुनिया में? अगर ये सब सवालात आपके माइंड में आते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा आपको किसी एक सही डायरेक्शन में पुश करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। वो आपके माइंड में ये सारे सवालात डाल रहा है जो आप अपने आप से अक्सर औकात पूछते हैं। ये अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन, ड्यू टू सर्टन रीजंस के आप कुछ और चीज़ों में इंगेज्ड हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे, कुछ चीज़ों को शुरू नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी वजूहात की बुनियाद पर, बिना पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे। वो एक्शन जो आपके इन सारे सवालात के जवाबात ढूंढने में या बेहतरी लाने में पहला बारिश का कतरा साबित हो सके। सो इसलिए सबसे पहली चीज़, स्टेप लेना शुरू करें। पहला स्टेप क्या है? एक किताब पढ़ लें, किसी से डिस्कशन शुरू कर लें। यार ये सवालात मेरे माइंड में आते हैं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, क्या करना चाहिए मुझे? क्या आप समझते हो कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूं? सो वो मेंटोरशिप का सिलसिला शुरू। जब आपको आसपास कोई मेंटोर ना मिले तो किताबों को मेंटोर बना लें। कुछ भी नहीं है तो गूगल पे ये सर्च कर लो, हाउ टू स्टार्ट योर लाइफ इन द राइट डायरेक्शन। यही सर्च कर लो, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। कुछ ऐसा स्टेप ले लो, आज डिसाइड कर लो कि शाम को मैंने वॉक पे जाना है। आज डिसाइड कर लो कि मैंने इस वीकेंड पे बुक लाइब्रेरी या बुक शॉप में जाना है। ये डिसाइड कर लो कि ये एक टॉक्सिक कोलीग फ्रेंड है, उससे ताल्लुकात, उससे कम्युनिकेशन कम करनी है, और ये शख्स ऑफिस में, घर में, सोसाइटी में पॉजिटिव है, इससे ज़्यादा बात करनी है। ये डिसाइड कर लो कि मैंने कपड़े पहनते हुए राइट कम्बिनेशन के कपड़े पहनना शुरू करने हैं। वाइट शर्ट के साथ वाइट पैंट नहीं पहननी, ब्लू और ब्लैक पैंट पहननी है वाइट शर्ट के साथ। और ऑफिस की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑफिस सूटिंग वाइट एंड ब्लू, सो मुझे इसी कम्बिनेशन के कपड़े खरीदने और पहनने। ये एक डिसीजन है, और फिर ये डिसीजन जो आज आप लेंगे आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। ये डिसाइड कर लो आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, और नहीं पढ़ना तो कंपनसेट कैसे करोगे? बिजनेस में जाना है, जॉब में रहना है, अपनी ब्रॉटअप के लिए क्या ऐसे काम करने हैं मैंने जिसकी बुनियाद पे मेरी लाइफ बेहतर हो जाए? ये सारे सवालात आपको सही डायरेक्शन में जाने के लिए गाइडलाइंस के तौर पे काम कर रहे हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी खुद से कुछ सवालात पूछे और फिर उनका सोल्यूशन डिसाइड किया और उस पर स्टेप बाय स्टेप अमल करना शुरू किया। सो आज मेरी लाइफ पिछले 5, 10, 15 सालों से बेहतर है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी आज से कुछ डिसीजंस ऐसे लें अपनी लाइफ में जिनकी बुनियाद पे उनकी लाइफ आने वाले दिनों में, कल, परसों, तरसों, अगले महीने में बेहतर हो जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।
खुदाफिज़।